हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग भी आलस से परेशान हैं कि आप लोग टारगेट बना रहे हैं लेकिन अपने आलस के कारण टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि अब देखिए समय भी कम है और आप लोग देख भी रहे हैं कि अब ऑप्शन भी कम है आप लोगों के सामने। जो भी सामने है उसे हमें क्रैक करना ही होगा, क्योंकि अब बहुत समय भी नहीं है, एज भी निकल रही है, समय भी निकल रहा है, सब कुछ हाथ से बहुत तेजी से जा रहा है, तो अब सीरियस हो जाने का टाइम है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी एक डायरी शेयर करने वाली हूँ कि मुझे भी आलस आता था। ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों के साथ ये सारी दिक्कत होती है, मुझे भी आलस आता था। तो मैं कौन सा ट्रिक अपनाई थी, तो मुझे तो जानते हैं कि बहुत सारी कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम थी। नींद, देखिए नींद तो सबको आती है, आलस सबको आता है, और क्या कहते हैं कि भूलने की बीमारी सबको होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी थी और यही सारी चीज़ें होती जो हमें पढ़ने नहीं देती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो डायरी शेयर करूंगी और उसमें दिखाऊंगी कि मैंने कैसे, मतलब मैं रोज़ उसको लिखती थी टॉपिक को अपने, और फिर मैं उसको टिक लगाती थी और मैं टॉपिक को लिखती भी कैसे थी, है ना, समय को कैसे मैं मैनेज करती थी। मैं आप लोगों से कई बार बता चुकी हूँ, हालांकि मेरे कुछ व्यूअर्स नए जुड़े हुए हैं इसलिए मैं ये फिर से बता रही हूँ कि मैं कभी भी घंटा देख के नहीं पढ़ती थी कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं पढ़ूंगी। नहीं, मैं टॉपिक डिसाइड करती थी, अब उसको मैं ये सोचती थी कि कितना जल्दी मैं कवर कर लूँ, क्योंकि मुझे और भी काम होते थे। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे और काम करने हैं, उसके पहले मेरा ये टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, मुझे अच्छे से इसको समझ समझ के अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो इस हिसाब से मैं अपनी स्पीड खूब तेज बढ़ाती थी। एक टारगेट रहता था कि इसके बाद मुझे ये करना है, उसके पहले मुझे इसलिए इतना कंप्लीट कर लेना है। तो मैं घंटा देख के नहीं पढ़ती थी, लेकिन मेरा सारा काम टाइम से हो जाता था, पहले ही हो जाता था। तो वो मैं कैसे कर पाती थी, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ अपनी डायरी, और देखिए, और कुछ मैंने गलतियां भी की थी शुरुआत में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और बाद में कैसे सब कुछ सही किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये मेरी डायरी है, एक मेरे पास ऐसे ही पुरानी डायरी थी तो उसको मैंने बनाया था। और देखिए, मैं भी आप लोग की तरह हमेशा भगवान से प्रे करती रहती थी, श्री दुर्गा नमः मैंने लिखा है डायरी ओपन करने से पहले, कि मैंने सोचा था कि इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह से मैं नोट करूँगी। तो देखिए जो है ना, पहले मैं टेस्ट वगैरह जो देती थी, है ना, पहले हम लोग का ना जो अतुल एकेडमी मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे एक व्हाट्सअप ग्रुप पर टेस्ट होता था, तो मैं दे पाती थी जब छुट्टियाँ होती थी। तो फिर मैं क्या करती थी कि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, मैंने भी बहुत इधर उधर ट्राई किया है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं एक क्वेश्चन को देखिए मैं लिखी हूँ, जैसे कि किस रचना में वर्णमाला का उल्लेख है अखरावत। तो देखिए ना, जैसे कि किस रचना में वर्णमाला का उल्लेख मिलता है अखरावत, तो इस तरह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख लेती थी। मैं वहाँ से चली आई हूँ क्योंकि मेरे बेटे के सर जो आ गए हैं पढ़ाने के लिए, तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। देखिए ऐसे बहुत सारे मैं क्वेश्चन ऐसे नोट की हूँ, और लेकिन बाद में मुझे ये समझ में आया ना कि बहुत ऐसे समय जा रहा है। और ये डायरी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी डायरी है, वो तो मैंने आपको शायद दिखाई दिया है पहले। और ये देखिए बहुत सारे जो है ये प्रश्न जो है मैंने नोट किया है, लेकिन बाद में मैं ये काम करना बंद कर दी क्योंकि मुझे लगा समय जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं टेस्ट जो देती थी, तो इस तरह से सही गलत मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं अभी इस तरह से ना बहुत भटकी हूँ, कैसे क्या करना है ऐसे ही करती थी, डेट में डाली हूँ। और इस तरह से देखिए ये कितने क्वेश्चन के, 30-30 क्वेश्चन के। हम लोग ना व्हाट्सअप पे, जो हम मैंने कोचिंग लिया था अतुल एकेडमी का, तो वहाँ पे व्हाट्सअप पे भी टेस्ट होता था उस टाइम में, तो जब मैं अटेंड कर पाती थी तो मैं इस तरह से, और राइटिंग देख रहे हैं, राइटिंग पे कोई फोकस नहीं रहता था मेरा, बस ऐसे कि मेरा काम होना चाहिए जल्दी जल्दी, मैं ऐसा ये काम करती, डेट डाल डाल के देखिए मैं ऐसे करती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं इस डायरी में तो और आगे दिखाती हूँ, फिर मैंने यहाँ पर पेज, जैसे कुछ टेस्ट मेरे छूट गए हैं ना, तो मैं जो है गिन गिन के मैं पेज छोड़ दी थी कि मैं आगे नोट करूँगी, हालांकि मैं कर नहीं पाई थी। और यहाँ पे देखिए ये जो है, फिर उसके बाद मैं सोची कि क्वेश्चन मैं नोट करूँगी और उसको मैं हाईलाइट करूँगी ताकि मुझे चीज़ें याद होंगी। मतलब मैं भी जो भी सोचती थी ना, सुनती थी किसी का, तो मैं भी वही ट्राई करती थी जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सब ना, ये क्वेश्चन लिखा है तो उसके, इसको मैं हाईलाइटर खरीद कर इस तरह से करती थी। ये भी बहुत दिन तक चला नहीं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता था कि इतना मैं कर पाऊँ, लेकिन जहाँ तक हो सका मैंने ऐसे किया है ना क्वेश्चन भी। लेकिन ये काम आप लोगों को नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं नोट करना है। मैंने कुछ ही दिन बस किया है, उसके बाद मैंने भी छोड़ दिया था क्योंकि जो है बहुत समय जाता है इसमें। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई, थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे करती थी, मैं टेस्ट देती थी उसके क्वेश्चन को नोट करती थी, मुझे लगता था कि ऐसे याद होनी ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, देख लीजिए। तो इस तरह से करके उसके बाद से ये देखिए टेस्ट 30 है ना, देखिए टेस्ट 38 है, 38 इस तरह से करके, और बहुत सारा। अब यहाँ पे वो तो छोड़ दीजिए, अब देखिए जैसे हरियत का ये ना, ये ऐसे मैं याद करती थी, देखिए याद करने का तरीका देखिए। अब ये च से चुपते चौपती ये सब है ना, देखिए ये सब,
तो मैं इसको ऐसे ही देखिए ये सब है ना, तो ये सब ऐसे मैं याद करती थी। और यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपको मेरा टाइम टेबल दिखेगा, जो मैं कह रही थी जो आलस आता है तो मैं क्या करती, मुझे भी आलस आता था तो मैं क्या, 5-5 का मैं डाली हूँ है ना डेट। और नाटक है देखिए भारतीय युग का है, 242 तक पेज नंबर है ये है ना, ये देखिएगा शायद सरस्वती पांडे का ही होगा पेज नंबर 242 से 253 है ना, इतना मुझे करना था। और देखिए फिर उसके बाद ये सरस्वती पांडे देखिए टेस्ट है ना, संस्मरण था, उसके बाद फिर ये, मतलब ये सारी चीज़ें इस तरह से, ये मैं टाइम भी डालती थी कभी कभी, ठीक है, कि इतने बजे, फिर देखिए कि इतने बजे तक ये जो है मुझे टेस्ट का टाइम रहता था, तो मुझे जो है 4:30 बजे से मुझे बैठ जाना था, मुझे ये सब इतना कवर कर लेना था जब तक मेरे टेस्ट का मतलब रिविज़न करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊं जो आपको समझ में आए। हाँ ये देखिए 20:05 वाला देखिए, ये वाला जैसे न्यू वीडियो, जैसे मान लीजिए उस दिन मेरे ख्याल से छुट्टी रही होगी तभी तो मैं 10 बजे का डाली हूँ, ये सुबह का होगा, ठीक है, कि न्यू वीडियो 10 बजे तक सुबह का, ठीक है। और हिंदी साहित्य सरस्वती पांडे से पत्र पत्रिकाएँ पुरस्कार, देखिए इधर हिंदी साहित्य इधर मैं दोहराती थी, उसमें पत्र पत्रिकाएँ पुरस्कार मैंने छोटे छोटे टॉपिक को भी मैं लिख चल 1 बजे तक है ना, मुझे दोहरा लेना था। अब बीच में बहुत सारे काम भी रहते होंगे लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें 1 बजे तक कर लेनी थी, और 10 बजे तक मुझे वीडियो देख लेना था जितना देखना है। रिविज़न देखिए साहित्य का 4 बजे तक, ठीक है, द्विवेदी युग से था, प्लस घटना चक्र के क्वेश्चन भी मुझे उसी से देखने थे। टेस्ट का रिवीजन फिर करना है, देखिए मैंने टाइम ये नहीं डाला कितने घंटे, बस मेरा टॉपिक है व्याकरण का भी, देखिए आफ्टर टेस्ट मैंने लिखा है, टेस्ट देने के बाद मुझे व्याकरण का रिवीजन करना था। और ओल्ड वीडियोज़ जो मतलब ओल्ड वीडियो जो रहते थे तो उसको भी मुझे मैंने यहाँ कुछ गलत ही लिखा है, तो उसको भी मैं मुझे जो थे वो देखती थी मैं रिवीजन के लिए। अब यहाँ पर फिर देखिए न्यू वीडियो है ना, 2 वीडियो देखना है 10 बजे तक, फिर वही हिंदी साहित्य पूरा द्विवेदी युग एकदम कंप्लीट कर लेना। देखिए अच्छा देखिए नोट करने वाली बात क्या, टिक लगाया मैं, छोटा छोटा टिक आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने ये कंप्लीट किया, एक टारगेट कंप्लीट, छोटा सा टिक लगाया मैंने, फिर हिंदी साहित्य ये टिक लगाया मैंने, घटना चक्र का टेस्ट ये सब टेस्ट का ये टिक लगाया, टेस्ट का रिवीजन किया मैंने 6:30 बजे तक टिक किया मैंने, व्याकरण का ओल्ड वीडियो रामचंद्र शुक्ल टिल 2 AM आप देख सकते हैं टाइम है ना, ये रामचंद्र शुक्ल मतलब 2 बजे तक मुझे जो है वो कर लेना था, ये इनकी किताब से भी कुछ पढ़ना रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, मैंने यहाँ पे टाइम डाला है, मैं 2 बजे तक मैं पढ़ती ही थी। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ टिक लगाए जो मैंने, आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करिए, और ये एक टारगेट पूरा होता है तो आप तुरंत ये टिक लगाइए, दूसरा टारगेट टिक लगाइए, ठीक है। टिक लगाने से ये होता है ना कि अपना आत्मविश्वास बढ़ता है और ये लगता है कि हाँ मैंने ये किया, ठीक है, तो फिर दूसरे दिन ना आलस भाग जाएगा, फिर जब आप टिक नहीं लगाएंगे ना तो आपका मन बेचैन रहेगा करने के लिए। तो इस तरह से देखिए कि मतलब मैं अपने कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये टेक्निक आप लोग भी अपना सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब इसमें ये डायरी मतलब हमेशा मेरे पास ही रहती थी, तो इधर तो कुछ और भी चीज़ें हैं, साथ में हम लोग का वो होता था ना दीक्षा ऐप वाला भी होता था, ट्रेनिंग वनिंग भी होती थी, तो उसका भी मैंने लिखा है आंसर वगैरह। तो चलिए इस तरह से था, और मैं आप लोगों को यही समझा रही हूँ कि मतलब अगर आलस आता है तो इस तरह से टारगेट बनाइए, और एक टारगेट पूरा कंप्लीट करने पर उसको टिक लगाते जाइए, और फील अच्छा मतलब अच्छा महसूस ऐसा करिए कि हाँ बहुत अच्छा मैंने किया, और अपने आप को शाबाशी दीजिए, फिर ऐसे ही करते जाइए। फिर नेक्स्ट डे अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपका मन बेचैन होगा और आपका ध्यान इस पर लगेगा, एक गेम की तरह हो जाएगा, तो आप कि अंदर से जो आलस आती है ना नहीं पढ़ने वाला वो एकदम से चला जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उस दिन मेरे कहने से आप बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया था, तो हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे, तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।